नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो एक तरह से आपका MPGK का मॉक टेस्ट है। इस तरह के हम लोग अभी तक 21 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका वाइसवा टेस्ट है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन तभी ज़रूरी है जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हो, ठीक है। तो पहले आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल से यानी कि विस्तार से। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, परीक्षाएं दीजिए, सही रहेगा आपके लिए, फायदेमंद। तो हमारी तरफ से भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया गया है और 17 घंटे की एक ही क्लास है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है पूरी क्लास, ठीक है। तो चलिए, 22वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? डेको रेमलिस्टिक शैली संबंधित है, चित्रकला से। एक में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एक में आपका सी होगा। क्या होगा? सी। दूसरा है, विष्णु चंचालकर का जन्म स्थान कहाँ है? विष्णु चंचालकर का जन्म आपका देवास में है, देवास जिले में। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा आपका? डी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की चित्रकला के पित्त पुरुष कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला के पित्त पुरुष कहे जाते हैं, डीडी देवलालीकर। क्वेश्चन नंबर तीन में बी होगा। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा? बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है चार, फ्राइडे ग्रुप नामक समूह के संस्थापक हैं। फ्राइडे ग्रुप था जो, इसके संस्थापक कौन थे? विष्णु चंचालकर। क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है पांच हमारे सामने, रमेश पटेरिया एवं डॉक्टर मंजूषा गांगुली संबंधित हैं। यह आपकी चित्रकला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर पांच में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है छठवां, हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना आपके हबीब तनवर ने की थी। क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है सात, जन नाट्य संघ तथा यौनिक नामक संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो ये थे आपके नरहरि पटेल साहब। क्वेश्चन नंबर सात में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आठ, नाट्य भारती के संस्थापक हैं बाबा डी के। नाट्य भारती के संस्थापक हैं बाबा डी के। क्वेश्चन है नौ, नरहरि पटेल का जन्म स्थान है। नरहरि पटेल का जन्म स्थान है रतलाम। नौ में क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर नौ में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दस, आपके सामने क्वेश्चन नंबर दस, नारायण श्रीधर बिंदे का जन्म हुआ था। नारायण श्रीधर बिंदे का जन्म हुआ था आपका इंदौर में। दस में क्या होगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस रचना से बाबा डी के ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की? आकांड तांडव। 11 में क्या होगा आपका? बी। 11 में बी ऑप्शन बिल्कुल
सही होगा। क्वेश्चन है 12। मदन भटनागर, देवयानी कृष्ण, रमेश पटेरिया तथा रॉबिन डेविड का संबंध है? इन सभी का संबंध चित्रकला से है। किससे? चित्रकला से। 12 में क्या होगा आपका? बी। 12 में बी। क्वेश्चन है 13। गजगामिनी चित्त श्रृंखला संबंधित है? गजगामिनी चित्त श्रृंखला संबंधित है मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन से। 13 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है 14। निम्न में से किस चित्रकार को AIFACS के अंतर्राष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये थे आपके विष्णु चिंचालकर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा आपका? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा 15? सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? इनका जन्म नरसिंहपुर में। 15 में आपका बी। क्वेश्चन है 16। अटल शून्य अनंतता, अनसुनी आवाज, माँ तथा बिंदु किसके चित्त हैं? ये आपके सैयद हैदर रजा साहब के चित्त हैं सभी। अटल शून्य अनंतता, अनसुनी आवाज, माँ और बिंदु, ये सभी आपके सैयद हैदर रजा साहब के चित्त हैं। क्वेश्चन है 17। नरहरि पटेल संबंधित हैं? नरहरि पटेल संबंधित हैं रंग कर्म से। 17 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 18। डॉक्टर डॉक्टर मंजूषा गांगुली, राजा राम, बसंत अगासी का संबंध है? इन सभी का संबंध चित्रकला से है। अठारह में क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन है आपका 19। सम्मिलित करना है हमें डीडी देवलालीकर, डेकू रियलिस्टिक सैयद हैदर रजा, समर नामक चित्र, विष्णु चिंचालकर, चाक्षुष विधि, हबीब तनवर, चरणदास चोर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है आपका 20। क्या है क्वेश्चन? जगदीश स्वामीनाथन का संबंध है? जगदीश स्वामीनाथन का संबंध है चित्रकार से। चित्रकार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका बी होगा। 21 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों का संबंध किस व्यक्तित्व से है? आगरा बाजार, चरणदास चोर नाटक का निर्देशन, हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित, फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड एडिनबरा से सम्मानित। ये थे आपके हबीब तनवर साहब। इन सभी घटनाओं से संबंधित आपके हबीब तनवर साहब संबंधित हैं। क्वेश्चन है हमारा 22। विष्णु चंचालकर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विष्णु चंचालकर के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? चाक्षुष विधि का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा आपका? बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, 22 क्वेश्चन में। तो ये था आपका 22वां टेस्ट। इसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हैं और उनके आंसर्स देखे हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके 23वें टेस्ट के बारे में, ठीक।